शिट मैन। सबसे पहले सॉरी इतने टाइम के बाद भाई तुम्हारा व्लॉग कर रहा है, तो सीन ऐसा था भाई कि इस काम के लिए रेडी मेरे को तो मार ही गया था, साथ में आके डिवाइडर से बाहर निकल गया था। रील एडिटर यही है गाइस, मैंने आजकल इसको मैनेजर रखा है, ठीक है ना। मैनेजर साहब कहाँ जाना है? नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको बर्नआउट भी दिखने वाला है गाइस। कुन एक्साइटेड है कि मैं बर्नआउट मारूं गाइस। दो बाइक का टॉप एंड चेक करते हैं यार, क्या बात है भाई। 137, 138 लग चुकी है अभी 390 के साथ। ओ प्रवा, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो किसी की बाइक लेंगे फिर उसकी माँ बहन एक कर देते, पर भाई तुम्हारा उनमें से नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा सही है मेरे को बताओ गाइस, कमेंट करके फिर मैं डलवा दूंगा, या रेडियल या ये वाला, कौन सा सही था। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया से होंगे। तो भाई फिलहाल ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है भाई तुम्हारा ऑलमोस्ट आज डेढ़ हफ्ते के बाद, ठीक है ना। इतने दिन से भाई तुम्हारा कहाँ था, क्या कर रहा था, तो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। और पहले सॉरी इतने टाइम के बाद भाई तुम्हारा ब्लॉग कर रहा है। तो सीन ऐसा था भाई कि मैं होम टाउन चला गया था, कुछ बहुत ज़्यादा काम था। मैं लास्ट टाइम घर गया था, मेरे पास कैमरा था दूसरा अपने अमीन भाई का, बट उसे ब्लॉग मैंने बनाया था तो वो किसी काम का था ही नहीं, ठीक है ना। वो सारा करप्ट हो गया था, उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, फिर मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, ठीक है ना। बाकी भाई तुम्हारा आज ब्लॉग कर रहा है एक हफ्ते के बाद, तो होप्स हो कि आप सब सपोर्ट दिखाओगे। और गाइस अभी का क्या सीन है, हम जाने वाले यहाँ से सिधरा की एक मस्ती राइड करेंगे, और साथ में मेरी बाइक में ना बहुत ज़्यादा काम आ चुका है। आपको पता है भाई होम टाउन गया था और बाइक की हालत ख़राब हो ही जाती है जब बंदा होम टाउन जाता है। तो अपनी बाइक लेके नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, मैं कज़न की बाइक लेके जा रहा हूँ। अपनी बाइक का जो भी काम वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्या सीन है उसका, क्या नहीं। टायर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया भाई, पूरा ट्रैक टायर बन गया, और उसमें टायर वगैरह भी डलवाना है, और भी छोटे मोटे कुछ काम है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, निकलते हैं यहाँ से और करते हैं आज मोटो व्लॉग एक डेढ़ हफ्ते के बाद। तो गाइस होप्स हो के थोड़ा बहुत आप सपोर्ट दिखाओगे, बाकी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो और थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ज़्यादा दिल खुश हो रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना भाई तुम्हारी की रीच थोड़ी सी वापस आ चुकी है। तो आज फिर से हम रील एक डालेंगे, और जिसने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर देना, और स्क्रीन पर भी आईडी आ रही होगी। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, निकलते हैं यहाँ से और सारी बातें करेंगे मोटो व्लॉग सेटअप। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं बाहर, ये वाली रही आज आरएस गाइस, इस पर हम व्लॉग बनाने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी आपको पता है भाई इसकी डिलीवरी भी ली थी जिसने, ये रही 390 भाई, बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं भाई तुम्हारा, और इसको भी चलाएंगे थोड़ी देर, ठीक है ना। लेट्स सी फिलहाल सिधरा की एक राइड करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सीधा क्या नहीं है। फिलहाल हम निकल चुके हैं घर से, अपना थोड़ा वार्म अप हो रहे हैं भाई इस रोड पे, ठीक है ना। आगे चल के सिधरा में थोड़ी सी हम फाइटरी करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। बहुत दिनों के बाद भाई तुम्हारे पास, और ऊपर से नहीं आ रहे से भाई, समझ रहे हो ना कि लीन छीन अच्छे बजते हैं इस पे, मेरी वाली आज पे थोड़ा सा डर लगता है। बाकी निकलते हैं, अमीन ने पंगे शुरू करना स्टार्ट कर दिया, आके ना बटन ऑफ कर देता है, मैं भी कोशिश करूँगा इसका बटन ऑफ कर दूँ, बट नहीं यार आगे ठुक जाऊँगा गाड़ी के साथ। भाई फॉर्चुनर देखो कितने चौड़े टायर लगे हुए हैं, और क्या भाई ये चेक करो फॉर्चुनर भाई, क्या सेक्सी लग रही है यार। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम हाईवे पे, ये चेक करो गाइस अभी निकलते हैं भाई सिधरा के रोड, बहुत दिनों के बाद भाई नसीब हो गए भाई तुम्हारे को। अभी यहाँ पे देखो 390 वाला पका रहा है, आजा आजा आज भाई न्यू आ रहा है अपने भाई के पास, ठीक है ना। ओ प्रवा के कराना राम नाल चलो ना भाई, तुम्हारा होम टाउन चला गया था ना यार, इसके कारण व्लॉग नहीं बना पा रहा था। बाकी मैं ज़्यादा भगाऊंगा नहीं इस बाइक को। ओ भाई ये क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है, ओ शिट मैन, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नहीं आर एस राइड करने में भाई अलग सा ही फील होता है। बाकी कमेंट करके बताना इस पर व्लॉग कैसा लग रहा है आपको। भाई अपनी बाइक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ना भाई, नेक्स्ट व्लॉग तो उसी पे आएगा, ठीक है ना। बाकी कोशिश तो मेरी यही रहती है मैं उसको ठीक करूँगा इस, क्योंकि उसमें ना जो टायर मतलब टायर ना टोटल खत्म हो गया बैक वाला टायर का, समझ रहे हो। मैंने गाँव में बहुत बुरी हालत की बाइक की यार, मतलब 2 साल हो गए थे मेरे को टायर चेंज कराए हुए भाई, अब कितना दम रखता वो टायर भी। तो बाकी यार चलते हैं प्यार प्यार से यहाँ से, अगले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा, मैं टायर वगैरह भी चेंज कर लूँगा, बताऊँगा कौन सा वाला टायर डाल रहा हूँ और वैल्यू फॉर मनी कौन सा टायर है, ठीक है ना। तो गाइस छोटी छोटी चीज़ें ना बतानी चाहिए, मतलब भाई नई बाइक है बंदे की तो मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, मेरे को आदत नहीं है भाई। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो किसी की बाइक लेंगे फिर उसकी माँ बहन एक कर देते, बट भाई तुम्हारा उनमें से नहीं है, ठीक है ना। प्यार फ्लाई बाई देंगे हम इनको, ये चेक करो गाइस आज ये व्लॉग व्लॉग कुछ नहीं कर रहा, इसका कैमरा भी ख़राब है आज, मैं मैं व्लॉग कर लेता हूँ। ये चेक करो भाई फाइटर की दिखा रहा है मेरे को, वो छोटा रेस करेगा। मेरे को इसी चीज़ से गाइस ये हरा देते हैं लोग भाई, आगे आगे कट मारते हैं ना गाइस। नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको बर्नआउट भी दिखने वाला है गाइस, कुन एक्साइटेड है कि मैं बर्नआउट मारूं गाइस। 2 साल के बाद अपनी बाइक में बर्नआउट मारूंगा, वो भी क्रेजी वाला बर्नआउट मारा गाइस, ठीक है ना भाई। टायर की मैंने धज्जिया फाड़ दे दिया गाइस, ठीक है ना, टोटल फट जाता है, तब जाके छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा गाइस, फिर चाहे आधा वीडियो भी ना बर्नआउट पर ही बने यार। तो वो भी क्रेजी सा बर्नआउट मारेंगे, और साथ में गाइस ZX9R पे भी राइड होने वाली है, वो भी आपको जल्दी बताने वाला हूँ मैं। तो मे भी क्या पता नेक्स्ट व्लॉग उसी के साथ हो, ठीक है ना। बाकी आप सब सपोर्ट दिखाओ अपना भाई, एक डेढ़ हफ्ते के बाद भाई तुम्हारा व्लॉग बना रहा है यार। अभी हम पहुँच चुके हैं स्टंट पॉइंट पर, यहाँ पर तो रुकने वाले हम है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर पुलिस वगैरह आ जाती है। गाइस रेस लग चुकी है अभी 390 के साथ। ओ प्रवा वो देखो
गाइस पीछे से शॉट इसकी ना ऊपर चढ़ गई है, कमर से भी ऊपर यार, बहुत हालत खराब हो जाती है भाई। ये बाइक बंदा भगाता है ना भाई, अगर मेरी बाइक होती ना मैं थोड़ा बहुत मुकाबला कर लेता है, ठीक है ना। और मैं एक बात और बोलूँ भाई, BS6 में ना थोड़ी सी पावर की लैकिंग दिखती है यार, ये किस किस ने नोटिस किया मेरे को कमेंट करके बताना भाई। तो बट मेरे को तो लगता है ऐसे, मेरे को अपनी बाइक और इस बाइक में बहुत ज़्यादा फर्क लगता है यार पिकअप के मामले में ना, पता नहीं ऐसा क्यों है गाइस, मेरे को खुद नहीं समझ आ रही है। इसमें पावर कम कर दी है, वेट कम है क्या से ना, बट मेरी बाइक ना मतलब आग जैसे बनती है ना गाइस, जो एक भगाने वाला मेरे जैसे वो भगाने वाला, फिर तो भाई बोलो कि नहीं है, चलो हो जाए रेस। तो गाइस अभी थोड़ा सा खींचते हैं भाई, इस बाइक का टॉप एंड चेक करते हैं यार, क्या बात है भाई। मेरे साथ कज़न भी पीछे बैठे, लास्ट टाइम ना मैंने अपनी बाइक भाई 145 पे लॉक हो गई थी भाई, वो लॉक अनलॉक ही नहीं हो रही थी गाइस, आज चेक कर दो। ओह भाई फ्लाई बाय देख रहे हो क्या खतरनाक बचा, ये चेक करो गाइस, बहुत लैग दिख रहा है पावर का गाइस, बहुत लैग दिख रहा है, बहुत लैग दिख रहा है गाइस। 137 138 139 भाई लास्ट गाइस, बस इससे ज़्यादा नहीं। हम पिट स्टॉप आए थे, थोड़ा सा काम था बट वो काम हो नहीं पाया, अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से वापस। तो लेट्स सी भाई तुम्हारा एक रील बनाएगा यार, क्योंकि रील बनानी इंपॉर्टेंट है गाइस, आजकल इंस्टाग्राम पे रीच काफ़ी ज़्यादा मिल रही है भाई तुम्हारे को, तो अभी बनाऊंगा मैं रील एक, उसके बाद देखते हैं क्या सी रहता है। तो गाइस फिलहाल हम रुक चुके हैं हाईवे पे, यहाँ पे ना इस बाइक मैंने रील बनानी है और ये बनाएगा अमीन भाई मेरी रील, तो निकलते हैं हेलमेट में निकालते हैं, क्योंकि हेलमेट के बिना एक रील बनानी भाई तुमने, लेट्स सी। फाइनली यहाँ पे हमने रील बना ली और ये चेक करो गाइस, हमारा रील एडिटर यही है गाइस, मैंने आजकल इसको मैनेजर रखा है, ठीक है ना। मैनेजर साहब अब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? हाँ गाइस देख रहे हो भाई, मैनेजर की ये डिमांड है कि कैमरा देना मेरे को फिर जाना। चलो गाइस निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ से आना आगे। हाँ और नहीं नहीं मेरे को पता है यार, तू टेंशन नहीं ले, ओ कोई टेंशन नहीं, स्टार्ट पॉइंट से इधर ही तक। तो गाइस चलो निकलते हैं, अभी भाई तुम्हारा ये वाली आर एस चनाले वाला है, थोड़ा सा खींचते हैं गाइस इसको, चेक करते हैं भाई क्या बात है भाई, अभी ना भाई ने धुलाई है भाई, थोड़ा सा खींचते हैं गाइस, ट्राई तो करना बनता है गाइस। ओ प्रावा हाँ, क्या फील आ रहा है गाइस, अभी ये ठंडा ठंडा पानी फेंक रही है ना वहाँ से, बट ब्रेकिंग मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है। आ जा गाइस, दो दो बाइकें चल रही हैं, चल चल आगे। तो गाइस वो वाली आरएस जो थी भाई तब पहले ली थी, उसके बाद ये सेकंड वाली ये ली थी, ये चेक करो गाइस, आजा आजा, ये चेक करो भाई। ओ प्रवाह निकल गई, 390 नहीं मानती का, 390 नहीं मानती यार, ऐसे कर रहा गाइस। ओ भाई गाइस ये बटन ऑफ करेगा। ओ भाई मुझे पता है यार, देख रहे हो गाइस इसको पड़ा कीड़ा है गाइस, ये चेक करो भाई, ये वाली आरएस भी चलना आगे, चल यार ये चल ही नहीं रहा गाइस। ओ भाई साहब अभी देखना लीन मारने वाला है गाइस ये छोटा, ये चेक करो भाई, ये चेक करो, ओ भाई ओ गाइस भाई लीन तो मारा बट प्रॉपर कवर नहीं हुआ होगा क्योंकि बहुत दूर दिख रहा होगा गाइस, ठीक है फिर भाई। तो गाइस फाइनली अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, अभी ये लीन मारने वाला गाइस, मैंने इसका लीन कवर करना है। भाई नहीं पहुँच पाता है बंदा यार, ओ ओ शिट नहीं हो पाया फिर भी कवर यार, मैं नहीं पहुंच पाता हूँ लीन पे यार। ओ नहीं हो पाता गाइस, नहीं हो पाता। ओ भाई साहब ये चेक करो गाइस, ओ शिट मैन। बस भाई गाइस राइड करके ना थोड़ा सा मजा है भाई, जिस काम के लिए हम गए थे ना भाई वो काम नहीं हो पाया यार भाई, थोड़ा सा बुरा लग रहा है बट चलो इट्स ओके यार, नेक्स्ट टाइम होगा तो कर लेंगे यार, बट अब मैं बता भी नहीं सकता हूँ किसके लिए गए थे। ठीक भाई हम के लिए गए थे, ठीक भाई, ओ भाई साहब गाइस मेरी फटके चार हो गई थी भाई, कैसे एक साइड से बंदा निकला यार,
यार भाई गाड़ी वाला हैरियर वाला को इतना फास्ट निकला भाई एक साइड से यार। अमीन बोरा को तो मार ही गया था, साथ में आगे डिवाइडर से बाहर निकल गया था गाइस। पहुंच चुके हैं नरवाल वाली साइड और यहाँ का हमने यहाँ आके ना मैं टायर का कंफर्म कर लेता हूँ गाइस। मेरे को ना टायर लेना है अपनी बाइक के लिए, उसका पूछता हूँ रेट वगैरह कैसा क्या कौन सा टायर मेरे को लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा सही है मेरे को बताओ गाइस कमेंट करके, फिर मैं डलवा दूंगा या रेडियल या ये वाला। कौन सा सही तेरे को क्या लगता है, मेरे को कौन सा सही लगेगा? मैं तो लीन भी ज़्यादा नहीं मारता हूँ बट मेरे को ये भी कहीं कहीं ना कहीं ये भी अच्छा टायर है। वही ना, इसका कितना प्राइस है? 3800 का। मैंने टायर वगैरह का पूछ लिया बट ये ना बहुत ज़्यादा रेट बोल रहे हैं गाइस। 4000 में तो भाई एक बेटर टायर आएगा भाई, रेडियल टायर जो सबसे मस्त रहेगा भाई। MRF का इतना कैश में 3800 का बोल रहे हैं गाइस। मेरे को नहीं लगता कि 3800 लेके ये वर्थ इट है गाइस, सीधी सी जो बात है भाई। मैं कहीं और से कन्फर्म कर लूँगा, ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं यार। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग जो आपको बर्नआउट वाला दिखने वाला है और जो जो एक्साइटेड है जल्द से कमेंट कर दो इस ब्लॉग के नीचे। और बस थोड़ा सा प्यार दिखाना गाइस, क्योंकि बहुत टाइम बाद भाई तुम्हारा वीडियो डाल रहे हैं ना यार।